students, welcome to geography class. Today we will do start our chapter name North America. In this chapter we already read about the location, boundaries, political divisions and the western cordillers. Now we will start the Canadian Shield. The Canadian Shield, also called the Canadian Plateau and Laurentian Shield, is a low-lying plateau region made up of Pre-Cambrian, Igneous and Metamorphosed rocks. It is therefore 2.4 to 4.2 billion years old. It is present almost in the form of horseshoe शेप प्लेटो अराउंड हर्सन बे. तो कैसा है उसने इसके बारे में, उसका जो जियोग्राफिक है उसके बारे में बताया गया है. कहाँ पे है ये प्लेटो, इसको क्या बोलते हैं, कैनेडियन प्लेटो भी बोलते हैं और इसको लॉटरन शील्ड भी बोलते हैं. ये कि इसका प्लेटो का रीजन नेम है. इसको प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं और ये मेटामॉर्फोस रॉक पे है. इसकी कितने ईयर्स पुराना है, 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड है. और ये कैसी शेप में है, हॉर्स शू की शेप में है और कहाँ पे है, हर्सन बे पे. एंड स्ट्रेचेस राइट अप टू ग्रेट लेक्स मेनली इन द कैनेडियन प्रोविंस ऑफ ओंटारियो. इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल ब्लॉक्स ऑफ अर्थ शेपिंग स्पैनिंग अबाउट 80,000 स्क्वेयर किलोमीटर इन एरिया. कितने एरिया में है, 80,000 स्क्वेयर में. टू इट्स ईस्ट इज द लैपरोट प्लेटो एंड इन द नॉर्थ इज द आर्कटिक ओशन. तो इसके ईस्ट में क्या है, लैपरोट प्लेटो है और नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक ओशन है. इट कवर्स मोर देन हाफ ऑफ कैनेडा एट द एवरेज एलिवेशन ऑफ 400 meters. तो कितना कवर करता है कैनेडा का, हाफ कवर, मोर देन हाफ पार्ट कैनेडा का कवर करता है इसकी एवरेज एवेल्यूएशन में. कितना है वो, 400 meter. वेन फॉर्म्स इट वॉज अराउंड 12,000 meter इन एवेल्यूएशन बट प्रोलॉन्ग्ड डेग्रेडेशन हैज लोअर्ड द एल्टीट्यूड ऑफ द वॉल्केनिक प्लेटो. द सर्फेस ऑफ द शील्ड इज हाईली रग्ड एंड स्नो कवर्ड. तो इसका सर्फेस कहता होता है हाईली रग्ड होता है एंड स्नो कवर्ड होता है. देयर आर मैनी फ्रेश वाटर रिवर्स एंड लेक्स फाउंड इन दिस रीजन. तो इसमें बहुत ज़्यादा रिवर्स एंड लेक्स फाउंड की जाती हैं. सम पिक्चर्स क्विज ग्रेट लेक्स आर अथबेस्का, ग्रेट स्लेव, रिनेंडर एंड अ पार्ट ऑफ लेक ओंटारियो. द ग्रेट बियर लेक इज द लार्जेस्ट सील्ड लेक. इंपॉर्टेंट रिवर्स आर चर्चिल एंड नेल्सन विच ड्रेन इन टू हर्सन बे. जो कहाँ पे जाके ड्रेन होती हैं, हर्सन बे में. यहाँ की कौन सी लार्जेस्ट है, ग्रेट बियर लेक सबसे लार्जेस्ट है, शील्ड लेक. Next, the Appalachians. The Appalachians mountains are the residual fault mountain forming the eastern highland of North America. कहाँ की है जी, ईस्टर्न साइड पे होते हैं. दे वर फॉर्म अराउंड 480 million years ago एंड वर एज हाई एज द एल्पस. Presently, the region comprises many low hill ranges, plateaus and valleys with the highest elevation being Mount Michel. तो कितने की है, 2037 meter इन नॉर्थ कार्लोन. तो कहाँ इसकी एवेल्यूशन कितनी है, 2037. द एप्लाइचिन माउंटेन्स रन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द अटलांटिक कोस्ट फॉर अ डिस्टेंस टू अबाउट 2400 किलोमीटर. दो अप्लाइचिन की माउंटेन्स कितनी दूर तक पैरेलल ही जाती हैं, कितनी तक है, 2400 किलोमीटर तक. इस विड्थ रेंज इज फ्रॉम 160 किलोमीटर टू 480 किलोमीटर फ्रॉम न्यू फाउंडलैंड कैनेडा टू अल्बामा यानी कि USA तक. द अप्लाइचिन रीजन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ लो माउंटेन रेंजेस विद एन एलिवेशन ऑफ 1000 meters. Some of these are the Chickasaw Mountains in the north and Blue Ridge in the south. ये सब इनकी जो इनके चेस हैं उनकी नेम है, माउंटेन्स के नेम हैं. द माउंटेन्स मर्ज इन टू द स्ट्रीम कोस्टल प्लेन थ्रू पाइटीमॉस प्लेटोज. तो कहाँ से होती है, जो माउंटेन मर्ज होती है कहाँ पर, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर होती है. दीज प्लेटोज हैव शार्प एजेस फ्रॉम बियर रिवर फॉल्स एब्रप्टली फॉर्मिंग पिक्चरस्क्यू वाटरफॉल्स. तो कैसी होती है वो, शार्प एज होता है रिवर का, यहाँ पर वो फॉल होती है, यहाँ पर उसका वाटरफॉल होता है. दिस इज देयरफॉर नोन एज फॉल लाइन एंड इज एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन एज वेल एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. क्या है यो मेन, इसको क्या बोलते हैं, नोन एज फॉल लाइन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है क्योंकि यहाँ से, और ये एक और पॉइंट इसका ये है कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी यूज़ की जाती है. नेक्स्ट इज सेंट्रल लोलैंड.
सेंट्रल लोलैंड में क्या है। द सेंट्रल लोलैंड ऑल्सो कॉल्ड इंटीरियर लोलैंड, इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर लोलैंड्स, इज अ फ्लैट लो लाइंग स्क्वायर शेप डिप्रेशन बिटवीन अप्लाइचेड माउंटेन्स इन द ईस्ट, रॉकीज इन द वेस्ट, कैनेडियन शील्ड इन द नॉर्थ एंड द अटलांटिक कोस्ट इन द साउथ। तो इसको जो सेंट्रल लोलैंड है इसमें क्या है, इसमें इसका जो स्क्वायर है कैसे किस शेप में होता है, डिप्रेशन बिटवीन द अप्लाइचेड माउंटेन्स कहाँ पर आती हैं, ईस्ट में, रॉकीज इन द वेस्ट में, कैनेडियन शील्ड इसकी नॉर्थ में आती है, अटलांटिक कोस्ट इसकी साउथ में आती है। The plants are made up of soft sedimentary rocks and has a greatly flat surface with many glacial lakes scattered around. The plains are covered with glacial sedimental till, clay and gravel as well as riverine silt. It is an extremely fertile area and is therefore most suitable for agriculture. जो यहाँ का area है वो किसके लिए suitable है, agriculture के लिए। यहाँ पर क्या है, क्ले है एंड ग्रेवल एज अ रिवर इन सिल्ट है, तो यहाँ पे जो एरिया है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। टू द वेस्ट द सेंट्रल लोलैंड्स मर्ज विद द ग्रेट प्लान्स विच इज़ स्लाइटली हायर इन एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल लोलैंड का मर्ज पार्ट है वो ग्रेट प्लान्स है, मतलब प्लेन एरिया जाते हैं, वहाँ पे स्लाइटली हायर एल्टीट्यूड है। मैनी इंपॉर्टेंट सिविल्स लाइक द मिसपी एंड मिसौरी एंड द Arkansas flow through its central and southern parts. The regions may be further classified into prairies in the north between Rocky Mountains and Great Lakes, alluvial plains, जो कि उपजाऊ plains area होता है उसको बोलते हैं। The Mississippi meanders in the center with the delta of Gulf of Mexico, Great Plains to the west which is at a slightly higher elevation and more or lesser scrubland. इन सबको इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैसी कैसी वहाँ पे रीजन्स होते हैं और कौन कौन से एरिया ज़्यादा प्लेन है और किस किस जगह पे आता है। इस लोलैंड रीजन मोस्टली रिवेंस इन द ऑर्जन स्ट्रेचेस फ्रॉम मैक्सिम बे इन द नॉर्थ गल्फ मेक्सिको, और यहाँ कितना एक्सटेंडेड है, 6000 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ साउथ एंड 12000 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सूटेबल किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। फर्टाइल एलोवेलिया डिपॉजिट्स मेकिंग हायर बी सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। पेरिस फ्रॉम अ पार्ट ऑफ दीज प्लेन्स बिटवीन द रॉकीज एंड ग्रेट लेक्स। नाउ वी विल डू द बैक एक्सरसाइज, जस्ट आंसर इन अ पैराग्राफ और टू, एक्सप्लेन द लोकेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की हमें लोकेशन एक्सप्लेन करनी है। नॉर्थ अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट एंटायरली विद इन द नॉर्दर्न हेमस्फीयर एंड ऑलमोस्ट ऑल विद इन द वेस्टर्न हेमस्फीयर। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज अ नॉर्थर्न सब कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अमेरिकाज। इट इज़ द बॉर्डर्स ऑफ द नॉर्थ बाई द अटलांटिक ओशन टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन सी एंड टू द वेस्ट एंड साउथ बाय द पैसिफिक ओशन। तो हमें इसमें क्या एक्सप्लेन किया, सिर्फ उसका नॉर्थ अमेरिका का लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है, नॉर्थन से वेस्टर्न तक पूरा डिस्क्राइब करना है। इसमें कौन कौन से ओशन आते हैं, अटलांटिक ओशन इसकी किस नॉर्थ में आता है, और साउथ ईस्ट में क्या आता है, साउथ अमेरिका आता है जो कि कैरिबियन सी है वहाँ पे, और वेस्ट साउथ में पैसिफिक ओशन है। आउटलाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस रीजन्स इन द नॉर्थ अमेरिका। तो हमें उसकी आउटलाइन को डिस्ट्रीब्यूशन करना है नॉर्थ अमेरिका की, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, फोर मेजर फिजिकल रीजन्स हैं, वेस्टर्न कॉर्डिलियर्स इन द वेस्ट, कैनेडियन शील्ड इन द नॉर्थ अराउंड हडसन बे, द सेंट्रल लोलैंड्स, द अप्लाइचेन इन द ईस्ट। Hope you guys understand about the chapter and the back exercises. Thank you. Have a good day.